इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्किन टोन से डील करने के लिए कई स्ट्रेटेजी पर एक नजर डालने जा रहे हैं। यह वीडियो एक इंट्रो के रूप में काम करेगा ताकि आप खुद को फैमिलियर कर सकें कि आइडियल ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमा वैल्यूज क्या है। फॉर ए रेंज ऑफ स्किन टोन ये केवल जेंटल गाइडलाइंस के लिए है, क्योंकि स्किन टोन में कई सटल वेरिएशन होते हैं। बट नोइंग की आइडियल क्या है जो आपको अपने करेक्शन के लिए एक गुड बेस लाइन देने में हेल्प करेगा। सबसे पहले लुमा पर डिस्कस करने के लिए आइए एंजल एडम्स जोन सिस्टम पर रिविजिट करते हैं। मैंने लुमिट्री लुमा वेव फॉर्म के ऊपर जोन को ओवरले किया है ताकि आप उनको डायरेक्ट कंपेयर कर सकें। स्किन को स्पेसिफिकली 4-7 जोन में एड्रेस किया जाता है। हालांकि यह समझना इम्पोर्टेंट है कि स्किन टोन लुमा वैल्यूज प्रॉपरली एक्सपोज्ड इमेज में वैल्यू की एक रेंज में एक्सपेंड होते हैं। जिन इमेजेज को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उनकी स्किन की ब्राइटनेस जोन 1 से लेकर जोन 8 तक में सभी तरह की होगी। विचार करने वाली अगली बात स्किन टोन का रंग है। स्किन के ह्यू को एलिवेट करते समय वेक्टरस्कोप आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। पिछले ट्यूटोरियल में हमने फ्लैश लाइन और आई बार पर डिस्कशन की, जो आमतौर पर स्किन टोन ह्यू के लिए आइडियल होती है। हावेवर व्यक्ति के रंग रूप के आधार पर कुछ मामूली बदलाव हो सकते हैं। हम कम्प्लेक्शन के लिए 5 डिफरेंट ग्रुप्स के लिए आइडियल करेक्शन देखने जा रहे हैं। दीज आर पेल और फेयर कम्प्लेक्शन, महोगनी और रेडी कम्प्लेक्शन, मीडियम और डार्क कम्प्लेक्शन, ओलिव कम्प्लेक्शन एंड फाइनली गोल्डन और एशियन कम्प्लेक्शन। इस पहले शॉट में जो इमेज है वह पेल और फेयर कम्प्लेक्शन रेंज में आती है। इस तरह के कम्प्लेक्शन के लिए स्किन टोन आइडियली सिट ऑन द आई बार, रेड कलर की ओर थोड़ा सा राइट की ओर झुकेगी। इन टर्म्स ऑफ सैचुरेशन पेल स्किन टोन वेक्टरस्कोप के सेंटर से 20-30% के बीच होनी चाहिए। यह इमेज उसी रेंज में आती है। अगली इमेज में टैलेंट को महोगनी कम्प्लेक्शन में माना जाएगा। महोगनी कम्प्लेक्शन आई बार के राइट की ओर आते हैं और अदर स्किन टोन की तुलना में हायर सैचुरेशन लेवल वाली होती है। रेडी कम्प्लेक्शन या फ्लश्ड लुकिंग कम्प्लेक्शन वाले लोग भी इसी रेंज में आते हैं। इसके बाद हम मीडियम और डार्क कम्प्लेक्शन को देखेंगे। ये स्किन टोन आमतौर पर आई बार के लगभग राइट की ओर आते हैं। सीन के आधार पर कुछ मामूली बदलाव के साथ सैचुरेशन के लेवल्स व्यक्ति के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं। बट लाइक पेल स्किन टोन सैचुरेशन का लेवल आमतौर पर 25-40% के बीच होता है, जहां 35% एक गुड स्पॉट है। अगली क्लिप में ओलिव कम्प्लेक्शन का एक आदमी है। ओलिव कम्प्लेक्शन सिट ऑन द आई बार एंड slightly to the left. Like medium or dark complexion, saturation का level आमतौर पर 25-40% के बीच होता है, जिसमें 35% generally sweet spot होता है. And finally, हम golden skin tone पर एक नजर डालेंगे, जो अक्सर Asian लोगों के पास होती है। ये yellow vector की ओर सबसे ज्यादा बैठने वाले हैं। सभी skin tone में से saturation का level 35-50% के बीच होता है, जिसमें 40% आमतौर पर एक good spot है. Tan skin भी इसी area में गिर सकती है और अधिक saturated हो जाती है, जबकि अधिक नेचुरल और लेस टैन स्किन स्पेक्ट्रम के लेस सैचुरेशन साइड पर पड़ती है। स्किन टोन को करेक्ट करने के लिए मेरे आगे आने वाले अदर ट्यूटोरियल में मैं इन इमेजेस को उनके आइडियल जोन में लाने के लिए नेसेसरी करेक्शन करने जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।